एक बार सब गाइस समझाने वाले इको पार्ट, बारिश का कोई चांस नहीं लगता। आ गया कल्याणी हाईवे, ये वही जगह है। तो यहाँ पे हम बस रुके थे, सन और लेफ्ट साइड में वक्त खत्म होने वाला है नियर दमदम एयरपोर्ट। और ये हम आ चुके हैं न्यू टाउन। लोग ऑरेंज और वायलेट, उनका रास्ता इतना सुंदर लगता है, व्यू बहुत बढ़िया लगता है यार। बंदी R15 पे कितना कूल लग रहा है यार। रील्स का शूट एक इंस्टाग्राम। हम चारों बाइक R15 जाएंगे आज, ये क्योंकि आज इस ग्रुप में मेरा पहला दिन था। आ चुके हैं इको पार्क के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। और सामने है, ये भी हम लोग के ग्रुप का ही है, यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छा है। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप लोग। Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम जाने वाले हैं इको पार्क। सो ये हम आ चुके हैं श्यामनगर रेलवे स्टेशन के पास। अभी लेना है लिफ्ट। ओह शिट, ये मैन अभी रेल गेट है बंद और यहाँ पे रुकना है अपने को। पहले से ही हम बहुत ज़्यादा लेट हैं और आज ऊपर से और भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। आज भी बारिश का कोई चांस नहीं लगता। सो आसमान पूरा साफ है तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है। आज तक मैंने कभी इको पार्क नहीं गया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इको पार्क जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आज के लिए। सो ये आ गया कल्याणी हाईवे, यहाँ से लेना है राइट। पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ गाइस, तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट वहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर रास्ता खाली रहा तो इससे भी ज़्यादा स्पीड से हम जा सकते हैं। सो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर। और गाइस अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा है तो शायद ये जगह को आप अच्छी तरह से पहचानोगे कि ये वही जगह है जहां पे वो स्पीड मीटर था। सो जहां पे मैंने कुछ शूट भी किया था, तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इसका पिछला वाला जो ब्लॉग है वो आपको दिख जाएगा, उसका लिंक। और ये हाईवे में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत जगह है गाइस, वो ये जगह मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब राइट साइड पे एक तालाब जैसा, लेफ्ट साइड पे एक नेचरिस्टिक, एक बेसिकली सुंदर एक जगह,
और ऊपर आसमान, मतलब बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फ़ोटो भी खींचते हैं। तो यहाँ पे हम बस रुके थे कुछ फ़ोटो खींचने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो आया है जैसे आपको अभी भी शायद दिख रहा होगा। राइट साइड में है सन और लेफ्ट साइड में आसमान, मतलब कुल मिला के बहुत खूबसूरत एक वेदर लग रहा है अभी। सो शायद और 10 मिनट के अंदर ये रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मेन रोड पे। बस और 5 मिनट शायद लगेगा ये रास्ता ख़त्म होने में। सो गाइस, ये रोड जो है, ये रोड था कल्याणी हाईवे, ये रोड लगभग ख़त्म होने वाला है और आगे जाके है मोड़, वहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट और जाना है दमदम एयरपोर्ट के रूट पे। अरे यार सिग्नल नहीं है सच। सिग्नल हो चुका है गाइस, सो अब हम लोग लेंगे लेफ्ट। यार रास्ता कितना खराब है यहाँ पे सच में। और हम पहुंच चुके हैं जोशो रोड पे नियर दमदम एयरपोर्ट, और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट। और ये हम आ चुके हैं न्यू टाउन। जैसे आप देख सकते हो आसमान गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब पूरा वायलेट और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। और इसका रास्ता, हर एक चीज़ न्यू टाउन का रास्ता इतना सुंदर लगता है, व्यू इतना सुंदर लगता है। और पीछे देखिए, ये आसमान आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे ये जो ऑरेंज कलर का ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये येलो ऑरेंज और वायलेट का, तब अलग सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आसमान ना तो यहाँ पे कोई रंगों का खेल हो रहा है। सच में इतना सुंदर लग रहा है गाइस, और शाम को इतना सुंदर लगता है यहाँ पे। तब आप अगर न्यू टाउन पे इवनिंग राइड कर रहे हो ना गाइस, तो उसका अलग मज़ा है सच में। रास्ता इतना चौड़ा, इतना खोला, आप पूरा थ्रॉटल देके बाइक को चला सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी आपका स्पीड लिमिटर है, तो आप ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ गाइस, यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया लगता है। यार बंदी R15 में कितना कूल लग रहा है यार, सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यार।
और मतलब R15 इतना अच्छा बाइक है, कोई भी इस पे बैठता है ना मतलब जस्ट वाव लगता है, वाव। अभी यहाँ से हमको लेना है राइट, क्योंकि मैप भी दिखा रहा है कि यहाँ से राइट लेना है, और राइट लेते ही पड़ेगा आपका इको पार्क जहाँ पे हमको जाना है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा माइक का आई थिंक कुछ इशू हो गया होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है और पता नहीं मतलब साउंड कुछ अलग सा आ रहा है, सो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा गलती नहीं होगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइज, हम लोग अभी कर रहे हैं रील्स का शूट, एक इंस्टाग्राम रील शूट हो रहा है अभी। सो हम चारों बाइक, चारों R15 ऐसे जाएंगे, तो रील शूट हो रहा है। और गाइज, एक मज़े की बात क्या है पता है, मतलब जो बंदी वहाँ पे मिली थी, सो वही बंदी हम लोग का ग्रुप का मेंबर है, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आज इस ग्रुप में मेरा पहला दिन था, तो अच्छा लगा ये चीज़। तो अब हम आ चुके हैं इको पार्क के अंदर, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब रोड बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। और सामने है नोबेल, ये भी हम लोग के ग्रुप का ही है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ट्रेन, सो इको पार्क के ये एक नंबर गेट है, तो यहाँ पे आप अगर कभी भी जाओगे, मतलब यहाँ पे अगर आओगे कभी भी, तो आपको ऐसे ट्रेन दिखेगा। सो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसी वजह से कुछ अलग सा फील हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी अच्छा है यार गाइस, मतलब बहुत साफ़ सुथरा है। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया। इसके बाद यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत होगा, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होगा, उसके बाद हम चले जाएंगे घर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप लोग मेरे चैनल पर भी नए हो।